हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। और ये जो मेकअप लुक है, ये मेकअप लुक आप किसी भी फेस्टिवल में से वेयर कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये लुक मेकअप लुक आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप यहाँ से सिंदूर हटा लीजिए, थोड़ा सा लिपस्टिक को न्यूड कर लीजिए और मंगलसूत्र हटा लीजिए, उसके बाद आप ये मेकअप लुक कर सकते हैं। फेस्टिवल के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ये जो मेकअप लुक है ये मैंने किया है स्पेशली करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ में वो सारी लेडीज़ जिनके पास ब्रश बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर आप ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, या बहुत जल्दी में हैं, आपको हाथ से मेकअप करना है, तो इसमें मैंने इसी तरह से मेकअप किया है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से मैंने ये मेकअप किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा। तो गाइस, कभी भी आपको अगर अच्छा मेकअप करना है तो इसके लिए आपको बेस अच्छा चाहिए। तो बेस अच्छा होने के लिए आपको हमेशा अपने स्किन को प्रेप एंड प्राइम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आपके स्किन की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसे कि सबको पता है, विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने टोनर अप्लाई किया हुआ। टोनर अगर आपके पास है तो बिल्कुल अच्छा है, अगर टोनर नहीं है तो इसकी जगह पर आप गुलाब जल अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन का यूज़ किया है, क्योंकि विंटर है तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड फील हो, इसलिए यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र जॉनसन एंड जॉनसन का लिया हुआ है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप उसे ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं लिप्स पे लगा ले रही हूँ, कोई भी लिप बाम आपके पास जो हो आप लगाइए। मेरे पास नीविया था इसलिए मैंने नीविया लगाया। इसके बाद यहाँ पे मैं फेशियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फेशियल ऑयल नहीं है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा उसमें ग्लिसरिन मिला लीजिएगा, बहुत हल्का सा ग्लिसरिन मिला लीजिएगा, उसे लगा सकते हैं आप। इससे ये आपका प्राइमर का भी काम करेगा और ये फेशियल ऑयल की तरह बहुत अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर बना देगा आपके स्किन पे। तो इसे लगाने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है। इसके बाद हम लगा रहे हैं प्राइमर। प्राइमर आपके पास है लगा सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एलोवेरा और अगर ग्लिसरिन लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आपका मेकअप जो है इस पर लग जाता है। तो यहाँ जो मैंने प्राइमर यूज़ किया है ये वेट एंड वाइल्ड का है, काफ़ी ड्यूई प्राइमर है, बहुत अच्छा सा ग्लो दे देता है, क्योंकि ऑब्वियस है फेस्टिवल है तो ग्लो तो चाहिए ही, इसलिए ये प्राइमर मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 CC क्रीम। तो इससे मुझे अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। आपके पास जो भी है आप उसे लगा सकते हैं, बेबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन। आपको हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए आप उसे लगा सकते हैं, बट क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन जो है थोड़ा सा केकी लगने लगता है, थोड़ी देर बाद पैची लगने लगता है, तो इसीलिए ये सीसी क्रीम काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसे भी हम हाथ से ही ब्लेंड करेंगे, हाथ से ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है हाथ से ब्लेंड होने में, बट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, और कवरेज भी आपको हल्की फुल्की सी जो चाहिए होती है वो मिल जाएगी। क्योंकि मैंने अंदर जो है प्राइमर जो लगाया हुआ है वो थोड़ा सा ड्यूवी है, तो इससे ग्लो अच्छा सा दिखते रहता है चेहरे पर। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, अपने नेक एरिया को बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी रिवीलिंग एरिया होगा आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, 5 से 10 मिनट लगा के अच्छे से इसे ब्लेंड कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट की तरफ। तो कॉम्पैक्ट यहाँ पे मैं अपने टी जोन एरिया को थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लूँगी, और बाकी जो पफ में पाउडर बचा होगा उसे मैं अपने फेस को सेट करूँगी, क्योंकि विंटर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ऑयल आता चेहरे पे, तो आप पूरे अपने फेस को सेट कीजिएगा। अगर आप मेरे जैसे हैं, नॉर्मल स्किन है आपकी, तो आप थोड़ा सा सेट करके छोड़ सकते हैं, इससे चेहरे पे ग्लो रहता है। तो इस तरह से मैं लगा लूँगी अपने टी जोन पे अच्छे से। इसके बाद जो पाउडर बचा रहेगा उसे अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहें तो पाउडर लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप स्किप कर दीजिए। तो पाउडर लग चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम करने वाले हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने निकाके का पैलेट लिया हुआ है, और ये है हमारा मोका मिक्स, और इसे हम लगाने वाले हैं इस क्यू टिप की हेल्प से, जिसे हम ईयरबड भी बोलते हैं। तो इसी पैलेट की हेल्प से हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहाँ पर ट्रांजिशन शेड, और इससे हम करने वाले हैं अपने आँखों पर लगाने वाले हैं, और यहाँ पर क्रीज लाइन ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं क्यूटिप के हेल्प से ही करेंगे, इससे भी अच्छे से मेकअप हो जाता है, आई मेकअप अच्छे से जाता है। पहले मैं इसे क्यूटिप की हेल्प से लगाऊंगी, बहुत अच्छे से लगाइएगा। क्यूटिप की हेल्प से थोड़ा सा आपको
इसे स्प्रेड करने में, इसे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे ये हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद मैं अपने फिंगर यानी कि रिंग फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत हार्श ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए कि आपने कुछ हार्श अपने आँखों पर लगा लिया है। अब मैं इसे अपने रिंग फिंगर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये जो ट्रांजिशन शेड है हमारा, इस तरह से आपको भी करना है अगर आप क्यू टिप की हेल्प से कर रहे हैं तो आराम से इसे कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, पता भी नहीं चल रहा हमने क्यू टिप यूज़ किया हुआ है इसको ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं थोड़ा सा और डार्कर शेड, जो ये ब्राउन है इसे थोड़ा सा और ज़्यादा जो डार्क ब्राउन है उसे मैं लेने वाली हूँ, और इसे मैं अपने क्रीज लाइन के पास लगाने वाली हूँ ताकि थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए आँखों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो यार थोड़ी पतली सी लगाऊंगी हल्के हल्के, तो इस तरह से थोड़ा से आँखों को हमारे डेप्थ मिल जाता है, पता चलता है कि यहाँ पे क्रीज लाइन है। और जो हमारा ट्रांजिशन शेड हमने जो लिया था वो क्रीज लाइन के थोड़े ऊपर लगाते हैं। अब इसे भी मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग करना है आपको बहुत अच्छे से, टाइम देके ब्लेंड कीजिएगा, जितनी आप टाइम देके ब्लेंड करेंगे उतना आपका आई शेडो अच्छा दिखता है। यहाँ पे मैंने इसे भी ब्लेंड कर लिया है ताकि पता ना चले, लाइट और डार्क कलर ग्रेडियंट इफेक्ट आना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं ये जो आपको स्पार्कल सा दिख रहा है, ये गोल्डन सा कॉपर सा कलर, इसे लेने वाले हैं। तो इसे भी हम फिंगर से ही लगाने वाले हैं। यहाँ पे ये ट्रिक है कि जब आप ब्रश से लगाते हैं तो आप थोड़ा सा उस पर गुलाब जल या फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे इस तरह का स्प्रे छिड़कते हैं, उसी तरह से जब आप फिंगर से लगाएंगे तो अपने फिंगर पे थोड़ा सा गुलाब जल लगा लीजिए, पानी लगा लीजिए, मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा लीजिए अपने फिंगर पे, उसके बाद आप पिक कीजिए कोई कलर तो वो कलर काफ़ी अच्छे से पिक होता है। तो ये टिप है मेरी तरफ से, इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपकी आँखों पर लग जाता है, कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसे मैंने सिर्फ अपने आईलिड पर लगाया हुआ है, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर है, और इसे फिर से क्यू टिप की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड करने के बाद हमारा जो आईलिड का मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है। तो इस तरह से आप मेकअप कर सकते हैं, आपकी साड़ी में जो कलर है आप वो कलर लेके कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ब्रश की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है फिर से हम ट्रांजिशन शेड लेने वाले हैं, और इसे हम अब लगाने वाले हैं अपने लोअर वाटर लाइन पे ताकि जो आई मेकअप है वो बिल्कुल बैलेंस लगे। तो यहाँ पे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे इसे लगा रही हूँ, इसे भी हम क्यू टिप की हेल्प से लगा लेंगे तो ये काफ़ी आसानी से और अच्छे से लग भी जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको भी लगा लेना है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं अपने ब्राउज़ को, तो आप देख सकते हैं बिना ब्राउज़ के बहुत अजीब सा लगता है मेकअप, तो ब्राउज ज़रूर किया कीजिए। थोड़ा सा अगर आप ब्राउज फील कर लेते हैं, जो भी स्पार्श एरिया होती आप उसे ही फील कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा सा फेस को स्ट्रक्चर मिल जाता है, फेस को फ्रेम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक फ्लार का जेल लाइनर ले रही हूँ इन दी शेड डार्क ब्राउन, और उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। कुछ इस तरह से आपको फिल कर लेना है, इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे फिल कर लेंगे। ये जो ब्रश है ये इसी के साथ आता है, तो इसी से मैं इसे फिल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क आपको नहीं करना है, आर्टिफिशियल टाइप का नहीं लगना चाहिए कि आपका ब्राउ जो है वो बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। तो ब्लैक कलर यूज़ मत कीजिएगा, अगर ब्लैक कलर लेते हैं तो बहुत हल्के हाथों से कीजिएगा ताकि बहुत ब्लैक ना दिखे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा ओवर दिखता है। तो ब्राउन ग्रे इस तरह के कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मस्कारा का जो वॉन्ड होता है उसे मैंने लिया है, और इसे हल्के से मैं यहाँ पे इस तरह से अपने ब्राउज को कॉम कर रही हूँ ताकि जो भी आसपास सीसी क्रीम फंसा हो या फिर पाउडर लगा हो वो हट जाए और ब्राउज को एक अच्छा सा शेप मिल जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो ये आपका DIY स्पूली होगा, जो भी मस्कारा आपका ख़त्म हो चुका है या ख़राब हो चुका है उसे धो लीजिए, धो के रख लीजिए, तो ये एज अ स्पूली काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लाइनर, लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYB का लाइनर, ये इन दी शेड ब्लैक में है, और बहुत हल्का सा लाइनर लगा रही हूँ मैं, बेसिक सा लाइनर। आपको विंग पसंद है तो विंग लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे बेसिक सा लाइनर लगा रही हूँ। अब हम ले रहे हैं काजल, काजल मैं लगाऊंगी सिर्फ आउटर पे, थोड़ा सा लगाऊंगी मैं, इनर कॉर्नर की तरफ नहीं जाऊंगी, इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी, दोनों आँखों में इस तरह लगा लूँगी। लगाने के बाद फिर से मैं क्यू टिप को लूँगी, क्यू टिप लेके इसे हल्के से स्मज कर दूंगी ताकि हल्का सा स्मोकी इफेक्ट मिल पाए हमारे आँखों को।
तो यहाँ पे मैंने फिर से क्यूटिप ले लिया है और इसे मैं इसे हल्का हल्का करके स्मज करूँगी। इससे स्मोकी लुक आ जाता है और आँखें जो है आपकी काफ़ी बड़ी सी लगने लगती है, बहुत हार्श लाइन नहीं दिखती है। तो इस तरह से आप अपने काजल को लगा के हल्का सा स्मज कर लेंगे तो लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो कलरफुल काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन जो भी काजल आपके पास है आप उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे स्मज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से NYBA का काजल ले रही हूँ इन दी शेड गोल्डन और इसे मैं अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ ताकि आंखें जो है वो काफ़ी खुली खुली सी दिखे, बड़ी सी दिखे। तो आप चाहें तो यहाँ पे वाइट काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूड काजल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है आपकी आंखें बड़ी दिखती है, खुली दिखती है। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ये गोल्डन वाला काजल अच्छा लगता है। ये गोल्डन कलर में है और इसे अपने वाटर लाइन पर मैंने लगा लिया है, लोअर वाटर लाइन पर लगा लिया है। अब नेक्स्ट हम अपने आईलैशेस को करने वाले हैं कर्ल। इससे आपकी आंखें जो है बहुत खुली खुली दिखती हैं, आवेग दिखती हैं, तो इसलिए आप इस तरह से आईलैशेस कर्लर का यूज़ कीजिए ताकि आपकी आईलैशेस अच्छे से कर्ल भी हो जाए और आपकी आंखें जो है वो खुली खुली दिखे। तो ये सब स्टेप्स जो है थोड़े से ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से भी आप मस्कारा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल कर, नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा मैंने यूज़ किया है मेबलिन का, ये लैश सेंसेशनल मस्कारा है, काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा सा वॉल्यूम भी मिल जाता है, लेंथ भी मिल जाता है, फॉल्सी वाला इफेक्ट आता है। यहाँ पे मैं कोई भी फॉल्सी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं बट इतना टाइम नहीं होता है करवा चौथ के दिन कि आप इतना कुछ कर पाएँ। आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर लगाइएगा, मैं नहीं लगा रही हूँ। इसे मैं दो कोट में अच्छे से अपने पूरे लैशेस पे लगा लूँगी। दो कोट आप लगाइए, ऊपर भी लगाइए और नीचे वाले लैशेस पे भी लगाइए। तो इस तरह से आपके जो लैशेस हैं वो काफ़ी अच्छे, मेबलिन के लैशेस मस्कारा जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये आपके लैशेस को काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है मस्कारा और यहाँ पे मेरे नाक पे भी लग चुका है मस्कारा, तो इसे हम बाद में हटाएंगे। यहाँ पे मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ ब्लशर। तो ब्लशर के लिए मैंने यूज़ किया था ब्लू हेवन का ब्लशर इन दी शेड ऑरेंज 503 है आई थिंक इसका नंबर। तो थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर में है, इसे मैं लगा के इसे भी मैं अपने हाथों से अच्छे से लगा लूँगी। पफ जो है इसके साथ ही मिला हुआ था इसलिए मैंने यूज़ किया है, मैंने किसी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है इस मेकअप में, पूरे मेकअप में। तो पफ इसके साथ ही आया हुआ था। अब हम लगाने वाले हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैं लगाने वाली हूँ हाथों से। अगर आपको चाहिए आपका हाइलाइटर ज़्यादा दिखे तो इसके लिए भी आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसके बाद आप इसे अपने चीक बोन पे, अपने फॉरहेड पे लगा सकते हैं, तो ये आपका जो हाइलाइटर होता है ये काफ़ी अच्छे से ग्लो करता है। अब यहाँ पे जो मस्कारा लगा हुआ था अब इसे मैं हटा लूँगी क्योंकि ये सूख चुका है। जब सूखने के बाद आप इसे हटाएंगे तो ये आपका मेकअप ख़राब नहीं करेगा और आराम से हट जाएगा। इसके ऊपर आप हल्का सा पाउडर लेके, जो भी आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था वो लेके लगा लीजिए और ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई मस्कारा लगा था। अब ये हाइलाइटर लेके मैं अपने इनर कॉर्नर को और अपने ब्राउ बोन को हाइलाइट कर लूँगी। यहाँ पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्यूटिप का फिर से इस्तेमाल किया है। तो क्यूटिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप क्यूटिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं अपने जो मैंने लगाया हुआ था लिप बाम इसे मैं हटा ले रही हूँ। इसके बाद फिर से मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो हम लगाने वाले हैं मैट लिपस्टिक, यहाँ लिक्विड वाला लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल भी मैट, मतलब बिल्कुल भी ड्राई ना करे, लिप्स को चैप ना करे। इसलिए पहले से अच्छे से आप अपने लिप्स को प्रेप एंड प्राइम करके रखिएगा। आप चाहें तो अपने लिप्स को स्क्रब भी कर सकते हैं, मेकअप पे पहले हल्का सा स्क्रब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया हुआ है। इससे आपका मेकअप बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल हिलता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। अब जो आई मेकअप है वो मुझे थोड़ा सा और ब्लिंगी चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मैंने फिस ब्यूटी का ये ग्लिटर आई शेडो लिया है। काफ़ी अच्छा है, आई मेकअप को काफ़ी अच्छा सा लुक दे देता है, बहुत ही ग्लिटरी है। इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको भी इस तरह के ग्लिटर लाइनर लेने हैं, सॉरी ग्लिटर आई शेडो लेने हैं, तो फिस ब्यूटी का आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में भी आपको मिल जाएगा और ये
पार्टी के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए इस तरह का जो आई शेडो होता है, लिक्विड आई शेडो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप सिर्फ एक कलर अपने ट्रांजिशन एरिया पे लगा लीजिए आँखों पे, और उसके बाद आप इस तरह से ये ग्लिटर जो आई शेडो है इसे लगा लीजिएगा, तो आपका जो आई शेडो है, आई मेकअप है, वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से इसे हल्का हल्का टैप कर लीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए आपकी आँखों पर। तो यहाँ पर हमारा अब आई मेकअप जो है वो कम्प्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने बालों की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरह से मैंने जुड़ा किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने मिडिल पार्टीशन किया था। इसके बाद आपको अपने बालों की एक साइड से तीन सेक्शन लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरह से कुछ, और इसे आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके आपको पीछे क्लिप से इसे सिक्योर कर देना है। अगर आपके बाल अच्छे कंडीशन में नहीं है तो ये जो जूड़ा है काफ़ी अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता। कैसी भी कंडीशन हो आपके बालों में, बालों की, आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तीन सेक्शन लूँगी, एक साइड से इसे इस तरह से ट्विस्ट करूँगी, पीछे ले जाके इसे पिन लगा दूँगी, और एक सेक्शन और लेने वाली हूँ मैं लास्ट, तीसरा सेक्शन इस तरह से निकालूँगी सामने से, फिर से इसे ट्विस्ट करेंगे और इसे फिर से हम पीछे ले जाके पिन से, बॉबी पिन हो या फिर जो भी टिक टैक पिन हो आपके पास, क्लिप हो, उसे सिक्योर करेंगे। आप चाहें अगर सामने से फ्लेक्स निकालना तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसे भी हम यहाँ पे सिक्योर कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे बाल को खुला रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जूड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूड़ा कर रही हूँ, आप चाहें तो खुला रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक जूड़ा पे लगाने के लिए गजरा तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे एक स्टोन वाला क्लिप है, क्लिप की तरह आप बोल सकते हैं, उसे मैं लगा लूँगी ताकि काफ़ी अच्छा सा जूड़ा को लुक मिल जाए। तो आप देख सकते हैं सामने से मैंने फ्लेक्स निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना ड्रेस पहन लेती हूँ। तो मैंने साड़ी पहन लिया है। अब हम यहाँ पे लगाने वाला है लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ रेड कलर में। तो यहाँ पे ये जो लिपस्टिक है ये NYB की तरफ से है, इसका लिपस्टिक है, मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी अच्छा सा कलर भी है इसका। तो इसे हम लगा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेस के मैचिंग लगा रही हूँ। आपके ड्रेस से जो भी मैच करता हो आप वो लिपस्टिक लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लगा रहे हैं सिंदूर। सिंदूर जो है ये आपके मेकअप का जो गेम है बिल्कुल चेंज कर देता है। अगर आप भी करवा चौथ पे मेकअप कर रहे हैं तो सिंदूर लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यहाँ पे अब मैं अप्लाई कर रही हूँ बिंदी। बिंदी आपको जैसी पसंद हो आप वैसे लगाइए। यहाँ पे मैंने इस तरह की बिंदी लगाई हुई है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो है मेकअप कम्प्लीट होता है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास एक ये ज्वेलरी है जो आप जूड़ा पे लगा सकते हैं, अपने हेयर पे लगा सकते हैं। तो इसे मैं इस तरह से अपने जूड़ा पे लगा रही हूँ। तो इसे मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया हुआ था, ये बालों के लिए ही है। तो इस तरह से मैं अपने जूड़ा पे इसे लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे खुले बाल पे भी लगा सकते हैं हेयर बैंड की तरह। अब मैं यहाँ पे पहन रही हूँ अपना झुमका। तो ये जो झुमका है ये मेरे साड़ी से मैच कर रहा है, जो वर्क बना हुआ है उसमें जो स्टोन लगे हुए हैं कुछ इस तरह के दिखते हैं, इसलिए मैं इसे पहन रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गले में कुछ बहुत हैवी नहीं पहना हुआ है, क्योंकि जो मेरा ईयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो मैंने पतला सा मंगलसूत्र सिर्फ पहना था इसके बाद। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने किसी तरह का ब्रश यूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने यहाँ पे किसी तरह का कोई भी कॉन्टोरिंग पाउडर या किट का यूज़ किया हुआ है, ब्रॉन्जर का यूज़ नहीं किया हुआ है। जो भी मेकअप किया है मैंने हाथों से किया है, क्यूटिप की हेल्प से किया है। तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, ब्रश नहीं है, तो आप इस तरह से अपना मेकअप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना मेकअप कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे से हो जाता है, आपको बिल्कुल भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।